नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी। आप देख रहे हैं मगध संवाद यूट्यूब चैनल। आज की ताजा व बड़ी खबर, आज की एक बड़ी खबर पटना से आ रही है। बिहार के सभी सरकारी कार्यालयों में अब बनेगी बायोमेट्रिक सिस्टम से हाजिरी। गृह विभाग ने जारी किया आदेश। अब पूरी खबर विस्तार से। कार्यालयों में देर से पहुंचने वाले सरकारी अधिकारियों और कर्मियों की अब खैर नहीं होगी, क्योंकि अब सभी ऑफिस में बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए सभी की हाजिरी बनेगी। लेट से कार्यालय पहुंचने वाले कर्मियों का कोई बहाना भी अब नहीं चलेगा। गृह विभाग ने सभी विभागों के कार्यालयों में बायोमेट्रिक हाजिरी सिस्टम लगाने की व्यवस्था करने का निर्देश जारी कर दिया है। गृह विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि राज्य के कार्यालयों में अनुशासन बनाए रखने तथा प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम के क्रियान्वयन की सैद्धांतिक अनुमति मुख्यमंत्री से प्राप्त हो चुकी है। इस संबंध में पूरे बिहार में बायोमेट्रिक प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए गृह विभाग को नोडल विभाग तथा बेल्ट्रोन को नोडल एजेंसी के रूप में चयनित किया गया है। बिहार के उन सभी कार्यालयों के लिए जिनमें साइक्लिन द्वारा प्रदत्त नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, वहां बायोमेट्रिक सिस्टम प्रस्तावित है। इसके लिए बेल्ट्रोन द्वारा चयनित एजेंसी द्वारा तैयार किया जा चुका सॉफ्टवेयर प्रयोग में लाया जाएगा। गृह विभाग ने कहा कि कंप्यूटर सिस्टम तथा विभाग के कर्मियों की संख्या के अनुरूप बायोमेट्रिक डिवाइस की खरीद संबंधी कार्यालयों द्वारा अपने स्तर से की जानी है। उपस्करों का मानक बेल्ट्रोन के द्वारा तय किए गए मानकों के अनुरूप होगी। बताते चले कि बायोमेट्रिक सिस्टम से हाजिरी बनाने को लेकर सरकार के अवर सचिव उमेश प्रसाद रजक के द्वारा आदेश जारी किया गया है। अपने आदेश में सभी अपर मुख्य सचिव, सभी प्रधान सचिव, सभी जिला विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी को यह आदेश जारी किया गया है। सरकार के अवर सचिव के आदेश पत्र में कहा गया है कि राज्य के कार्यालयों में अनुशासन बनाए रखने तथा प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली के क्रियान्वयन की सैद्धांतिक अनुमति मुख्यमंत्री महोदय से प्राप्त हो चुकी है। पत्र में आगे लिखा गया है कि संपूर्ण बिहार में बायोमेट्रिक प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु गृह विभाग को नोडल विभाग तथा बेल्ट्रोन को नोडल एजेंसी के रूप में चयनित किया गया है। आपको यह भी बता दें कि बिहार सरकार के अवर सचिव के द्वारा यह पत्र 20 नवंबर 2019 को जारी किया गया। खबरों में आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि शिक्षक और शिक्षा विभाग की खबरों से आप रहे अपडेट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।